हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, जब आप माँ बनते हैं तो आपका जो छोटा सा बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उनको आप हर छोटी छोटी एक्टिविटी करते हुए देखते हैं। जैसे कि जब बच्चा सोते समय हंसता है, रोता है, अंगड़ाइयाँ लेता है, आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो कई बार लेटे लेटे अंगड़ाई लेने लगते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा ही अंगड़ाई लेते हैं तो कुछ कम। अगर आपका बच्चा भी ज़्यादा अंगड़ाई लेता है तो आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि कहीं इस बच्चे को जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही क्लियर करेंगे कि नवजात शिशु का अंगड़ाई लेना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक, और शिशु के अंगड़ाई लेने के पीछे क्या रीजंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अंगड़ाई लेना दिन भर में होने वाली फिजिकल एक्टिविटीज का ही एक हिस्सा है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बड़ों से ज़्यादा अंगड़ाई लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि अंगड़ाई जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज वो किन रीजंस की वजह से लेते हैं। फर्स्ट देखिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो ज्यादातर टाइम जो है सोते ही रहते हैं। जब भी बेबी को नींद आती है तो वो अंगड़ाई लेने लगता है। तो बच्चे के अंगड़ाई लेने या जम्हाई लेने से आपको ये बात समझने में आसानी होती है कि आपका बेबी अब सोना चाहता है। नेक्स्ट देखिए, जब बच्चे को ज्यादा थकान हो जाती है तो भी वो अंगड़ाई लेने लगता है। बच्चों को थकान होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, जब बच्चा बहुत देर तक लेटा रहता है तो वो थक जाता है, बच्चा दूध पीते पीते थक जाता है, ज़्यादा हाथ पैर चलाने से भी बच्चा थक जाता है। तो हाथ पैरों को फैलाकर अंगड़ाई लेने का मतलब है कि आपका बेबी अपने शरीर की थकान जो है वो उतार रहा है। इसके अलावा जब आपका बेबी बहुत देर तक सोता रहता है तो उठने के बाद भी वो अंगड़ाई ले सकता है। नींद पूरी हो जाने के कारण भी बच्चा अंगड़ाई ले सकता है। कभी कभी बेबी भूख लगने की वजह से भी अंगड़ाई लेता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने अपने बेबी को कब दूध पिलाया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को दूध पिलाए काफ़ी टाइम हो गया और बेबी अंगड़ाई ले रहा है तो इससे भी आप समझ सकते हो कि शायद बेबी को भूख लग रही है। फ्रेंड्स, बड़ों के साथ साथ बच्चों का अंगड़ाई लेना भी ज़रूरी माना जाता है। अंगड़ाई लेना आपके बच्चे के लिए काफ़ी तरीके से फायदेमंद हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि अंगड़ाई लेने से बेबी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली चीज़ कि जब आपका बच्चा अपने हाथ पैरों को फैलाकर अंगड़ाई लेता है तो उसको गैस पास करने में आसानी रहती है, जिससे कि उसे जो बाकी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। अंगड़ाई लेने से बच्चे की थकान दूर होती है और आपका बेबी खुद को फ्रेश फील करता है। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा हाथ पैर फैलाकर अंगड़ाई लेता है तो इससे उसकी हड्डियाँ और जो मसल्स हैं उनमें जो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि जब आपका बच्चा अंगड़ाई लेता है तो इससे क्या होगा, इससे उसके शरीर में जो है एनर्जी आती है। वो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है वो पूरी एनर्जी के साथ उन्हें करता है। इसके अलावा अंगड़ाई लेना यानी अपने हाथों, पैरों और बॉडी को स्ट्रेच करना बच्चे बड़े सभी के लिए ज़रूरी माना जाता है। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है और कुछ बीमारियों से लड़ने में मदद भी मिलती है। फ्रेंड्स, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ दिनों तक दिन भर में कई बार अंगड़ाई लेता है। वैसे तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेते हैं या फिर अंगड़ाई लेते समय अनकंफर्टेबल फील करते हैं या फिर कुछ परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि बच्चे को अंगड़ाई अगर बहुत ज़्यादा आ रही हो तो किस कंडीशन में आपको ध्यान रखने की या फिर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि अगर आपका बेबी अपनी नींद पूरी कर चुका है और किसी तरह से थका हुआ नहीं है और फिर भी कई बार अंगड़ाई ले रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे को कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी आधे घंटे के गैप में 3-4 बार से ज़्यादा अंगड़ाई लेता है तो इसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट, कि अगर आपका बेबी ओवरफीड कर लेता है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी लेता है और उसके पेट में गैस बन जाती है तो ऐसे में भी बच्चे जो हैं कई बार बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेने लग जाते हैं और अंगड़ाई लेते समय वो इस टाइम में ज़्यादा ही बेचैन दिखाई देंगे या फिर रोएंगे। तो ऐसे में भी आपको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवरफीड ना करें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे को ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, यानी कि जितनी ज़रूरत उसको है वो चीज़ को नहीं मिल पा रही है, उसके शरीर में उतनी एनर्जी ही नहीं रहती है तो जितना उसको चाहिए। ऐसे में भी आपका बच्चा जो है बहुत स्वस्थ रहने लग जाता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा अंगड़ाई लेने लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा दिन भर थका रहता है और बहुत ज़्यादा अंगड़ाई लेता है तो इस केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चे को थकान हो रही है, बच्चे के शरीर में किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं बता पा रहा है और उसको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न बेबी का अंगड़ाई लेना वैसे तो नॉर्मल बात है और बच्चे के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेते समय वो परेशान है, वो रोता है, तो इस चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए अपने बेबी को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो अंगड़ाई क्यों लेते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक मेन टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप उन टॉपिक्स के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।